लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में जहां भाजपा के नेता मंच में दावा कर रहे हैं कि 4 जून को 400 पार होने जा रहा है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन 4 जून को भाजपा को विदा करने की तैयारी में है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया के 1 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की कमान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संभाल सकते हैं। गठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि वो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और BRS को साथ मिलाने की भी पूरी उम्मीद की है। इंडिया के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन की उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। उनका दावा यहां 35 से ज्यादा सीटें जीतने का है, जो भाजपा कभी हमें मंदिर धर्म की अपनी पिच पर बोलने को मजबूर करती थी, आज वही पार्टी संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी सरीखे हमारे मुद्दों पर लगाकर सफाई देने को मजबूर है। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी रणनीति सफलता मान रहा है। यही वजह है कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाने से पहले गठबंधन की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। सपा सूत्रों के मुताबिक ये बैठक बेहद अहम है, इसलिए इसमें अखिलेश यादव खुद शामिल होंगे। इसमें समान विचारों वाले दल तृणमूल कांग्रेस और तेलंगाना की भारत राष्ट्रीय समिति को चुनाव के बाद साथ लेने पर भी विचार विमर्श होगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और BRS प्रमुख चंद्रशेखर राव से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहतर रिश्ते जग जाहिर हैं। सपा प्रमुख ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में BRS के लिए अपना प्रचार रथ भेजा था। यहां बता दें कि KCR ने लोकसभा चुनाव बसपा में साथ मिलकर लड़ा है। सपा के गठबंधन में शामिल नहीं होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को यूपी में बेहदी लोकसभा सीट दी है, जबकि यूपी में तृणमूल के कोई जनाधार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस और BRS को लाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। ममता बनर्जी और KCR से लगातार संपर्क में भी हैं। अब ऐसे में देखने को ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस और KCR के अदावत में नरमी आएगी। क्या ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी एक साथ एक मंच पर आएंगे? अगर आते हैं तो इसका असर क्या होगा? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो सरकार बने या ना बने, लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष एक हो जाएगा और इसका साफ असर आने वाले बंगाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा।